बड़ी खबर, एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक और जांच के डेस्टिनेशन पर जाने वाली है। रिया ने कबूल कर लिया है, उन्होंने बताया है कहां कहां ड्रग कंज्यूम किया जाता था। शौविक ने बताया है, सैमुअल ने बताया है, और उनमें से एक जगह का जिक्र आया है जो रिया का घर आया है, बैंड्रा सुशांत का घर आया है, वाटरस्टोन रिजॉर्ट आया है, चौथा एक और लोकेशन आया है जो बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन है, जो इस पूरे केस से बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि उस जगह से सुशांत का गहरा रिश्ता है। वो है पावना का उनका फार्म हाउस, जहाँ पर सुशांत अक्सर जाया करते थे 3-3, 4-4 दिनों के लिए। और जबकि वहाँ के केयरटेकर्स ने लगातार कहा है कि यहाँ पर कोई ड्रग की एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन रिया, शौविक और सैम इन लोगों ने कहा है कि पावना के बंगलों में ड्रग की एक्टिविटी होती थी। अब ये लोग यहाँ से वहाँ पर क्या ड्रग डिलीवरी होती थी या मुंबई से ड्रग कंज्यूम करके वहाँ ले जाया जाता था, रास्ते में चेक पोस्ट पर क्या होता था, वहाँ पर कौन सी जगह पर ड्रग यूज़ होते थे, वहाँ पर क्या गवाह सबूत कुछ मिले, उसके लिए मुंबई पुलिस वहाँ जाएगी। वहाँ के केयरटेकर आसपास के लोगों से पूछताछ करेगी, पुलिस नहीं, एनसीबी की टीम जो ऑलरेडी निकल चुकी है और पावना के सुशांत सिंह राजपूत के बंगलों पर जा कर के वहाँ से पूछताछ करेगी। चूँकि एनसीबी का चेक करने का तरीका अलग होता है, उनके साथ उनके कुत्ते भी होते हैं जो सूंघते हैं चीज़ों को और पता लगाते हैं। मुझे पता नहीं कि एनसीबी की ये टीम कितनी इक्विप्ड है। आमतौर पर नार्कोटिक्स हो या टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो, ये लोग खोजी कुत्तों की सहायता लेते हैं जो इन्हें तमाम चीज़ें बताते हैं। इस समय एनसीबी की टीम में कितने लोग शामिल हैं, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था है या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर पावना में ड्रग की कोई एक्टिविटी हुई है तो उसका पता लगाने के लिए एनसीबी की टीम निकल चुकी है। और मुझे विश्वास है कि सुशांत के ऊपर जो आरोप थोपने की कोशिश की जा रही है वो निराधार होगा, क्योंकि वो ड्रग मंडली जो 2017 से एक्टिव थी वो 2019 में सुशांत को कैसे आरोपी बना सकती है। आप बने रहे मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सरिता।